ओए प्रीतमपुरा वालों, कल सुनो मेरी। हर साल की तरह इस साल भी अपने प्रीतमपुरा में सबसे अच्छी पतंग बनाने और सजाने की प्रतियोगिता हो रही है। बीजी, एक ही बोल के गए लंबा सा पटर पटर, एक ही अंदर। बीरा वो बोल के गए कि जिसकी पतंग सबसे सुंदर बनेगी और सजेगी उसे इनाम मिलेगा। फिर तो इनाम आपको मिलेगा बीजी। हम दोनों पिन के और सारे स्कूल के इनाम जीता करेंगे। ठीक है, चल। पतंग के वास्ते पहले कागज लेना जरूरी है। बता कौन से रंग चाहिए तन्नू? पीछी, वो लाल वाला अच्छा लगेगा। चाचा जी, वो वाला कागज दिखाइए। कौन सा वाला? अरे वो होते ना, लाल रंग वाला। की बात है पुत्र, सबनू लाल रंग ही चाहिदा है। बस ये आखरी बचा है, ऐ तू ले ले। ये तो मैं लूंगा, मैं आपके दुकान में पहले आया था। ओए, ये मेरे वीर जी ने लिया है। तो क्यों होया, पैसे तो नहीं दिए थे ना? कोई गल नहीं वीरा, हम लोग दूसरा वाला ले लेंगे। चाची जी, वो पीला वाला दिखाओ ना। वीरा, ये भी बड़ा चंगा रंग है, सुंदर सी पतंग बन जाएगी इससे। अब इन्हें सजाने के वास्ते कुछ लेना है। चाची जी, वो वाला फूल दे दो। ठीक। ओए रणवी, तेरी नजर तो बड़ी तेज है, ये सबसे वधिया फुंदरू है। देखना, तेरी पतंग की शोभा बढ़ा देगा। अभी मेरी खरीदारी पूरी नहीं हुई थी, मैं तो ये भी लेने वाला था। पतंग का फुंदरू। तूने चीटिंग क्यों कर दी? वो मेरा है। ये। तू मेरी वीरा से दूर ही रह। पहले बदमाशी तूने शुरू की थी ना, अब ये फुंदरू मेरे हाथ में, अब तो है मेरी पतंग में ही लगेगा। चाची जी, कितना हुआ? 20 रुपए। अरे रणवीर पुत्र, खुले देना, वैसे बड़े बड़े नोट ही आ रहे हैं। ले तो नहीं है चाचा जी,
मेरे पास छुट्टे पैसे है, आप ये फुंदरू मुझे दे दीजिए। पुत्र तू एक काम कर, तू घर जा और घर से खुले पैसे लेकर आ, फिर कोई दूसरा लच्छा ले लेना, ऐसे ले दे। ये लो जी रणवीर के 20 रुपए। निहाल चाचू आप रहने दीजिए, मैं घर पे जाके बीजी से ले लूंगा। कोई नहीं पुत्र, तुझे उधार दे रहा हूँ और ध्यान से वापस लौटा देना। अब दे दूँ?